मैं आपके सामने ये पगड़ी बांधता हूं कि सुन का हिसाब जरूर लिया जाएगा। क्या हुआ बाबा? सरदार चाका खान के आदमियों का हमला अचानक था, वो सब माल मवेशी हार कर ले गए। मगर ये सब हुआ कैसे? सरदार इसकी इब्तिदा आपके बेटे और उनके साथियों ने की। ठीक है, तुम लोग जाओ। ये सब कुछ इसलिए हुआ बाबा कि सेवी मेले में घोड़ दौड़ के मौके पर मेरे साथ नाइंसाफी की गई, और मेले में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक पुरानी रवायत है बाबा, और चारों तरफ से आए हुए कबाइल का मुश्तरका इज्तिमा। अगर ऐसा हुआ भी तो एक बेवा के माल मवेशियों के कत्ले आम का जवाब तो नहीं बनता। और फिर तुम जानते हो कि गौहर चाकर की बाहोट है, उसकी पनाह में है, और बाहोट की रिवायत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। सरदार चाकर और उसकी उम्रा अक्सर ऐसे मौकों पर अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं बाबा। मेरा यह रद्द अमल उनकी बालादस्ती की गलत कोशिश के खिलाफ था। ताकत अंधे अमल का नाम नहीं। एक तो तुमने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, और दूसरे तुम अपने बाप के नजरियात को समझने में नाकाम रहे हो। अव्वल तो तुम्हें गौहर के बारे में सोचने का कोई हक नहीं, और अगर तुम अपनी नासमझी की वजह से किसी ओछे नतीजे पर पहुंचे हो तो मेरी जिंदगी में मेरे जाती मामलात में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। बाबा ये सब उनकी बालादस्ती कायम करने की कोशिश का नतीजा है। चाकर खान ने जो किया या करेगा, तुम्हारी इस हरकत के बाद उसे इसका हक बनता था। मैं उसकी जगह होता तो इससे भी ज्यादा कर गुजरता। अब तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं उसके पास जाऊं। इंसानों से अपनी पहचान कराना तुम्हारा हक है, लेकिन खुद उनकी पहचान ना करना या उनके हक में मुदाखलत करना यह जहालत है। तुम्हारे वालिद के बारे में सुना था कि वो नाल मक्खी की पर की तरह बारीक बनाते थे और उनकी चमक शीशे की तरह होती थी। मैंने भी तो अपने वाले से सीखा है, और फिर जब भी तुम्हारे घोड़े के नाल बनाए तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं हुई। इसीलिए तो मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ आता हूँ। बस जरा बालाज की तलवार का काम खत्म कर लूं, उसके बाद बस। नहीं, पहले मेरा काम कर दो, मुझे बहुत जल्दी है। क्यों बालाज? हाँ, इनका काम कर दो, इनका हर काम जल्दी में होता है। अच्छा, मेरी बात बुरी लगी क्या? मुझे लगता है तुम कोई बहुत बड़ी बात दिल में छुपाए बैठे हो। कह दो, बहुत हल्का हो जाएगा। मुझे ये सुन के इंतहाई दुख हुआ है कि तुमने भरे दीवान में चाकर को गोराम की मदद की बजाय उसे झुकाने और मुरीद इल्जाम ठहराने का मशवरा दिया, जिसकी उम्मीद तुम जैसे जहीन और बहादुर अमीर से नहीं की जा सकती थी। मैंने जो भी मशवरा दिया था मेरे ख्याल में दुरुस्त था, और अमीर कोहराम और आप लोग भी तो कुवत को रवायात पे तरजीह देते आ रहे हो। एक बात याद रखो, कुवत मशरूत नहीं होती। चलो, होती है। चाकर एक कुवत का नाम है जिसे मुख्तलिफ कबाइल के इत्तेहाद ने सरदारी का एजाज बख्शा है। बालाज, अपनी हद में रहकर बात करो ना। सच्चाई को तहम्मुल से सुनना और बर्दाश्त करना यह भी बहादुरी है। हौसले से सुनो,
चाकर और गौराम तराजू के उन दो पल्लों की तरह हैं जिनमें बराबर के औजार नहीं। देखने वालों के लिए भारी पलड़े का तायुन इसलिए मुश्किल है कि किसी एक का झुकाव मुस्तकिल नहीं। आज तुम निरहान हद्दे बिज्जा हेप्ता ब्यूरक उमर नौहानी और शैमुरी चाकर के पलड़े में हो, इसलिए चाकर भारी है। कल तुम में से कोई भी हमारी तरफ आ गया तो कोहराम भारी होगा। सिर्फ चंद हजार की तो बात है, जाड़ो जहानत और जबान का इस्तेमाल किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, क्या समझे? ए दो जी वाला, मेरी तलवार शाम तक बना देना, मैं किसी को भिजवा दूंगा। क्या बात है? हमारा ऊंट तुम्हारे गले में आ गया है। खबरदार, ऊंट को गले से निकालने की कोशिश न करना। अब इतनी ज्यादती भी ना करो, ये चरवाहों का दस्तूर नहीं है। ये मीर हेप्तांग का गला है, उसने मुझे सख्ती से मना किया है कि मेरे गले में जो भी ऊंट आ जाए उसे वापस नहीं करना। अगर ये मीर हेप्तांग का गला है तो ये ऊंट सरदार चाकर खान का है। किसी का भी हो, मुझे मीर हेप्तांग का हुक्म है। किस बात पर झगड़ रहे हो? इसका ऊंट हमारे गले के वापस मांग रहा है। ये ऊंट सरदार चाकर खान का है। तुम उनको बता देना कि ऊंट हेप्तांग के गले में दाखिल हो गया है और हेप्तांग ने सरदार चाकर खान के दीवान में कौल दिया था कि भागा हुआ कोई भी ऊंट जो मेरे गले में शामिल होगा उसकी वापसी किसी सूरत नहीं होगी। वह ऊंट सरदार चाकर का ही क्यों ना हो। यह दुरुस्त है कि मीर एप्तान हमारा बाजू है, लेकिन यह कबायली रिवायत का मसला है जिसकी खबर दूर दूर तक फैल सकती है। कबायली रिवायत से बढ़कर अब यह इमारात के नाम का मामला है। दरगुजर से आम लोग कमजोरी का मतलब भी निकाल सकते हैं। हसन मौलाना, कौन नहीं जानता कि मीर हेप्तांग चाकर खान की उम्रा में शामिल है और कौन है जो नावाकिफ हो मीर हेप्तांग के कौल से? वो हमारा बागी नहीं, इस बात को भी हर शख्स अच्छी तरह से जानता है। ठीक है कि हमने एक ऊंट हारा है, लेकिन मीर हेप्तांग ने अपना कौल जीत लिया है। बेरख, मेरे नजदीक फिल वक्त इस वाके की इससे ज्यादा अहमियत नहीं। जाड़ों को कमजोर मत समझो मुराद, ताकत के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करना ये मेरी मंतक के खिलाफ है। जो शख्स गुर से मर सकता है उसे सहर देने से क्या फायदा? मैं समझा नहीं मुराद। मजबूत चट्टान को गिराने के लिए पहले उसकी बुनियाद को खोखला किया जाता है। मुझे जाड़ों के घर का भेदी चाहिए। तुम इतना न रखो, जाड़ों के मुलाजिम करू का काम फंसा हुआ है जिसके लिए वो मजबूर है, और अगर फिर उसे लालच दिया जाए तो हमारे कहने के मुताबिक ही काम करेगा। मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। बहरहाल सरदार, मैं आपकी इज्जत अफजाई फरामोश नहीं कर सकता। इतने बड़े वाके का तखलीये में तस्फिया हो जाना खुशकिस्मती है। गौराम, मैंने सरदार शेख की सौंपी हुई जिम्मेदारियों का बोझ
हमेशा अपने कंधों पर महसूस किया है। हालात अगर साजगार रहे तो कौम में टूट फूट के अमल को रोकने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और यही महवर है मेरी सोच का। रिवायत, हमारी रिवायत ही हमारा कानून है सरदार। जब तक हम इसके साये तले परवान चढ़ते रहेंगे हमारी कौम रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ती रहेगी। शायद तवील वक्त गुजरने के बाद ऐसा हो सकता हो कि छोटे छोटे वाकयात भी तारीख बन जाते हैं, मगर हाल से तो सब वाकिफ हैं। सरदार मैं आपकी इजाजत से गौहर के पास भी जाऊंगा। वो एक बेवा औरत है और उसके नुकसान की तलाफी होना जरूरी है। बेखौफ जिंदगी गुजारना उसका हक है, हालांकि उमूमन खौफ वहमों की वजह से होते। ये इम्कानात की दुनिया है गौराम, पर्दा गैब में तो बहुत कुछ पिनहा है, इसीलिए जिंदगी में खौफ फूटता रहता है। इंसान जिस मकाम पर खड़ा हो और अपने मर्तबे को पहचानता हो यही उसके लिए गनीमत है।